सर हसन मुशरफ के ऊपर कार्रवाई हुई, इसके ऊपर आपके ये देखिए, ईडी जो यंत्रणा है ये भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकारिणी विंग तैयार हुई है जिन्होंने इनोसेंट लोगों को अंदर डालने का काम किया है। संजय जी राउत के बारे में हाईकोर्ट ने भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। और ऐसा देखा जाए तो जो शिवसेना के आमदार जो शिंदे सरकार में गए, ऐसे बहुत सारे आमदार हैं जिन पे ईडी ने रेड मारा लेकिन उनको अटक नहीं किया। जालना का ही देखो, रामनगर शुगर फैक्ट्री में जो शिवसेना के नेता थे उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का गुनाह दाखिल हुआ है और रामनगर शुगर फैक्ट्री को ईडी ने अपने कब्जे में लिया। लेकिन गुनाह सिर्फ कागज़ पे हुआ है, वो व्यक्ति को अटक क्यों नहीं हुआ? यानी एकनाथ शिंदे के गट में जो जाता है या बीजेपी के साथ जो जाता है वो वॉशिंग पाउडर से धो के बाहर निकल जाता है, ऐसा आजकल जो दिख रहा है। और ये यंत्रणाओं पर आजकल सामान्य आदमी का जो भरोसा है वो उठते जा रहा है। ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट न्याय देगी। अल्पसंख्यक होने की वजह से कार्रवाई ऐसा, ये देखिए सभी, देखो मैं एक बात बताता हूँ कि जितने भी हम लोग जो कांग्रेस के हैं, राष्ट्रवादी के हैं या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जितने भी लोग हैं, हर एक को, छोटे से भी आमदारों को भी किसी न किसी से तकलीफ देर हो सकता है। मैं यहाँ आपके पास भाषण कर रहा हूँ और मेरे घर जाए तक मेरे को ईटी की नोटिस आ सकती है, कोई भी प्रकार की नोटिस आ सकती है, इसका मैं कोई आज भविष्य नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, जनता जागरूक है, आने वाले में दिनों पता चलेगा। सर, महानगर पालिका का प्रस्ताव कलेक्टर के पास सादर किया गया है, अभी विरोध कायम है क्या? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, महानगर पालिका फिजिबल नहीं है बल्कि ऐसे मंत्रालय से आया हुआ है। अब देखो मार्ग कैसा है, देखो कोई चीज़ को सरकार उनकी है, मार ठोक के अगर किसी को कुछ करना है तो उसको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आने वाले दिनों में उसको पता चलेगा क्या है नगर पालिका और महानगर पालिका। शासन की दिशाबल करने की करने वाली संस्था में अब्दुल सत्तार की भी संस्था का नाम है, वो तो आज आपको पता ही चलेगा है। और कुछ जालने के अंदर भी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में है, लेकिन जब तक पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते इसलिए मैं नहीं बंद करना चाहता हूँ। आधे अधूरे चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं रखता, पूरे जिस दिन डॉक्यूमेंट आएंगे। उन स्कूलों को नोटिस आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, जालने में भी ऐसा फैब्रिकेटेड एक स्कूल बना, किसका है उसका नाम मैं नहीं कोशिश करता हूँ, वो फैब्रिकेट किसने किया और वो स्कूल कैसे चला रहे उसके बारे में मेरे पास पुख्ता सबूत एट प्रेजेंट नहीं है, आधे सबूत है, आधे आने वाले, उसके बारे में प्रेस लेकर मैं बताऊँगा। थैंक यू।